वेलकम टू सोशल। हर एक एक्टर और फिल्म मेकर के करियर में एक ऐसा टाइम आता है व्हेन दे टेक अ रिस्क व्हाइल चूजिंग द फिल्म। ये रिस्क उन्हें इसीलिए लेने होते हैं क्योंकि वो सिमिलर टाइप की फिल्म से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे गिव एवरीथिंग टू दिस पर्टिकुलर फिल्म। वो इस फिल्म पर स्पेशल अटेंशन देते हैं और इस वजह से ये फिल्म कहीं ना कहीं उनका पैशन प्रोजेक्ट बन जाता है। बट इवन आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क द फिल्म फेल्स एट द बॉक्स ऑफिस। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं फिल्म्स के बारे में बताएंगे जो एक फिल्म मेकर और एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म थी बट ऑडियंस मेड इट अ फ्लॉप। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे तक जरूर देखे। तो मुझे और यकीन कहाँ मिलेगा? खूब सारा यकीन। मैं अपने यकीन से भरत को वापस लेके आऊंगा। नंबर वन, जीरो। जीरो हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत ही रिस्की फिल्म थी। वी वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग दैट जीरो शाहरुख खान के करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म थी। इससे पहले शाहरुख खान की लास्ट थ्री मूवीज को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, सो ऑल द आईज वर ऑन जीरो टू गिव हिम दैट ब्लॉकबस्टर हिट। फिल्म में क्योंकि शाहरुख एक ड्वार्फ का कैरेक्टर प्ले करते हैं और उनको फुल ऑथेंटिसिटी से दिखाने के लिए फिल्म में बहुत VFX यूज किए गए थे। जीरो की शूटिंग अराउंड 2 years तक चली थी और फिल्म का फाइनल बजट वाज मोर देन 200 crores, मेकिंग इट शाहरुख खान्स मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म एवर। पर जब ये फिल्म रिलीज हुई इट वाज मेट विद वेरी पुअर रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस। फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ही पसंद नहीं आई एंड एज अ रिजल्ट फिल्म कुड ओनली अर्न 191 crores एट द बॉक्स ऑफिस, फेलिंग टू रिकवर इट्स मेकिंग कॉस्ट। टीम सोशल थिंक दैट व्हाट हैपेंड विद जीरो वाज डिसअपॉइंटिंग। हमें लगता है कि जीरो एक डिसेंट फिल्म थी जिसे लोगों को एक चांस और देना चाहिए था। आपको जीरो कैसी लगी आप भी हमें बताइए। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एक तो तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से हाइट मेरी रह गई। मेरी वजह से तेरी हाइट कैसे कम हो गई? गुटखा खाते हो कब कब? स्पर्म छोटे पड़ गए तुम्हारे और क्या? नंबर 2, जग्गा जासूस। डायरेक्टर अनुराग बासु और रणबीर कपूर ने जब फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन किया देन द ऑडियंस गॉट टू सी अ वंडरफुल फिल्म बर्फी। बर्फी की सक्सेस के बाद बोथ अनुराग एंड रणबीर थॉट टू कोलैबोरेट वंस मोर फॉर जग्गा जासूस। फिल्म की शूटिंग 2014 में स्टार्ट हुई एंड इट वाज बिलीव्ड कि फिल्म 2015 तक रिलीज हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। फिल्म की शूटिंग किसी ना किसी वजह से डिले होती रही और इसी की वजह से फिल्म का बजट और भी ऊपर बढ़ता गया। फिल्म का बजट इतना एक्सीड हो गया कि इन द एंड रणबीर कपूर को खुद फिल्म प्रोड्यूस करनी पड़ी। जग्गा जासूस की शूटिंग 2.5 years तक चली एंड इन द एंड द फिल्म वाज फाइनली रिलीज्ड इन 2017। फिल्म को क्रिटिक्स ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया एंड द मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस डिडंट लाइक द फिल्म। जग्गा जासूस कुड ओनली कलेक्ट 83 crores एट द बॉक्स ऑफिस एंड वाज डिक्लेयर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स ऑफ 2017। वी बिलीव दैट जग्गा जासूस वाज अ वंडरफुल फिल्म एंड डिडंट डिजर्व टू बी अ फ्लॉप लाइक दिस। इट वाज अ विजनरी फिल्म और ऐसी फिल्म को बनाना अपने आप में ही एक चैलेंज है। आर देयर एनी जग्गा जासूस फैंस वॉचिंग दिस वीडियो? डू ड्रॉप अ कमेंट। इसलिए गा के बोलता हूं ताकि यू नो स्मूथ हो जाए। नंबर 3, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। आमिर खान को बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है। वो जो भी फिल्म करते हैं ही गिव्स एवरीथिंग टू दैट फिल्म। फिल्म की स्क्रिप्ट से लेके उसका डायरेक्शन, उसकी एडिटिंग, यहाँ तक कि उसका म्यूजिक भी, हर डिपार्टमेंट में आमिर बहुत फोकस करते हैं और शायद इसी वजह से ही इज द ओनली एक्टर जिनकी मैक्सिमम मूवीज ब्लॉकबस्टर रही हैं। बट इन 2018 आमिर खान का बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देने का रिकॉर्ड टूट गया विद द फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान। फिल्म का ओवरऑल बजट वॉज मोर देन 300 crores, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ बॉलीवुड। हाउएवर जब थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई तो ऑडियंस ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। एवरीवन कॉल्ड इट अ बोरिंग फिल्म। मीमर्स तक ने इस फिल्म को ट्रॉल किया था जहां दे कॉल्ड इट गरीबों की पैरेट्स ऑफ कैरेबियन। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इतना खराब रिस्पॉन्स मिला था कि इवन आमिर हैड टू कम एंड अपोलोजाइज टू द ऑडियंस। और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उनको आई वांट टू अपोलोजाइज टू देम आल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया। कोशिश हमने पूरी की थी लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया, तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन देम। धोखा स्वभाव है मेरा और भरोसा मेरा। नंबर 4, बॉम्बे वेलवेट। अनुराग कश्यप हिंदी सिनेमा के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है। द काइंड ऑफ फिल्म्स ही मेक्स आर वेरी अनयूजुअल एंड समवट बोल्ड। उन्होंने अपने करियर में कई तरह की फिल्म्स बनाई हैं, आउट ऑफ विच फिल्म्स लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, देवडी आर नाउ रिकॉर्डेड एज ऑल टाइम क्लासिक्स। मगर एक फिल्म जो अनुराग की ड्रीम प्रोजेक्ट थी वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। यू वुड ऑलरेडी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बॉम्बे वेलवेट।
बॉम्बे वेलवेट एक ऐसी स्टोरी थी जो अनुराग को बहुत करीब थी और वो हमेशा से इसे बनाना चाहते थे। अगर हम स्टोरी की बात करें तो बॉम्बे वेलवेट एक पीरियड फिल्म थी जो हमें 50s के बॉम्बे शहर के बारे में बताती है। फिल्म की शूटिंग अराउंड 2 ईयर्स तक चली और फिल्म को एडिट करने के लिए अनुराग ने स्पेशली हॉलीवुड के फेमस एडिटर थेल्मा शूनमेकर को हायर किया। ये वही एडिटर हैं जिन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसी की कई फिल्म्स एडिट की हैं, लाइक द गुडफेलास, रेजिंग बुल, कैसिनो एंड मेनी मोर। बॉम्बे वेलवेट जब फाइनली रिलीज हुई तो फिल्म को ऑडियंस से बहुत खराब रिस्पॉन्स मिला। 120 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 43 करोड़ ही कमा पाई। फिल्म को सारे ट्रेड एनालिस्ट ने द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ द फिल्म का टैग दिया और फिल्म के रिलीज होने के 3 दिन के अंदर ही मैक्सिमम सिनेमा हॉल से हटा दिया गया। नो डाउट द फिल्म हैड इट्स फ्लॉज, बट फिल्म उतनी भी बुरी नहीं थी जितना इसको बताया जाता है। इन फैक्ट वी फील इट्स अ फिल्म दैट एवरी सिनेफाइल शुड वॉच एटलीस्ट वंस। नाइस टू मीट यू। नंबर 5, रावण। अभिषेक बच्चन और डायरेक्टर मणिरत्नम ने हमें युवा और गुरु जैसी हिट फिल्म्स दी हैं। मगर जब इन दोनों ने अपनी थर्ड फिल्म रावण के लिए कोलैबोरेट किया, देन द रिजल्ट वाज अ डिजास्टर। रावण एक फैसिनेटिंग फिल्म थी विच वी बिलीव वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट थी एज अ ट्रायो ऑफ अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय एंड मणिरत्नम वाज कमिंग टुगेदर आफ्टर गुरु। फिल्म का म्यूजिक काफी पॉपुलर हो रहा था और फिल्म के ट्रेलर में अभिषेक बच्चन का एक न्यू लुक देखकर एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द फिल्म टू रिलीज। बट व्हेन रावण वाज रिलीज्ड, इट फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस। लोगों को फिल्म बहुत बोरिंग लगी और फिल्म का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस वाज रियली पुअर। वी बिलीव रावण वाज सिनेमैटिकली अ ब्रिलियंट फिल्म और ऐसी सिनेमाटोग्राफी बहुत रेयरली ही देखने को मिलती है। इट श्योरली डिडंट डिजर्व टू फेल एट द बॉक्स ऑफिस। आपका इस फिल्म को लेकर क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बार बार गोली मार, दिखा दे दुनिया को कि भगवान कौन और राक्षस कौन। नंबर 6, ट्यूबलाइट। बजरंगी भाईजान के मैसिव सक्सेस के बाद डायरेक्टर कबीर खान और सलमान खान ने एक बार फिर से कोलैबोरेट करने का डिसीजन लिया। द फिल्म दे वर मेकिंग वाज अ पीरियड फिल्म ट्यूबलाइट, जो कि 1965 के इंडो चाइना वॉर पर बेस्ड थी। ट्यूबलाइट में सलमान एक मेंटली चैलेंज कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं और इसके लिए सलमान ने काफी प्रिपरेशन भी की थी। लेकिन जब ट्यूबलाइट फिल्म रिलीज हुई, इट फेल्ड टू रेप्लिकेट द मैजिक ऑफ बजरंगी भाईजान। फिल्म को क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए और इसके अलावा सलमान खान फैंस को भी फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। टीम सोशल बिलीव्स दैट ट्यूबलाइट वाजंट अ बैड फिल्म। फिल्म को आईएमडीबी पर 3.8 की रेटिंग दी गई है, विच समवेयर जस्ट डजंट सीम जस्टिफाइड। व्हाट अबाउट यू? डू यू थिंक 3.8 की आईएमडीबी रेटिंग ट्यूबलाइट को जस्टिफाई करती है? तो मुझे और यकीन कहां मिलेगा? खूब सारा यकीन। मैं अपने यकीन से भरत को वापस लेके आऊंगा। नंबर 7, कलंक। कलंक करण जौहर की मोस्ट एम्बिशियस फिल्म्स में से एक थी। कलंक एक ऐसी फिल्म है जो वो बहुत टाइम से बनाना चाहते थे और इस बारे में उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है। ही रोट कि कलंक का आइडिया वाज बोर्न इनसाइड हिज फादर यश जौहर्स हेड और वो चाहते थे कि करण इस फिल्म को जरूर बनाए। टू फुलफिल हिज फादर्स विश, करण डिसाइडेड टू मेक, और इसके लिए वो शाहरुख खान, अजय देवगन, काजोल और रानी मुखर्जी को साइन करने वाले थे। पर कलंक के स्टार्ट होने से पहले उनके फादर की डेथ हो गई और कलंक फिर कभी भी नहीं बन पाई। इतने साल वेट करने के बाद करण जौहर को फाइनली 2018 में कलंक बनाने का मौका मिला। लेकिन अब उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट करने की बजाय प्रोड्यूस करने का सोचा। फिल्म के लिए काफी बड़ी कास्ट को साइन किया गया, विच इंक्लूडेड आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित एंड संजय दत्त। फिल्म की स्टोरी सेट थी इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एंड टू पोर्ट्रे दैट एरा रियलिस्टिकली, अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ द फिल्म। कलंक का टोटल बजट कुछ 150 करोड़ के अराउंड था, पर जब कलंक रिलीज हुई तो वो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई। फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले और ऑडियंस ने भी फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं किया। हिम्मत है मेरी दुनिया में कदम रखने की? मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। नंबर 8, लाल कप्तान। सैफ अली खान हमेशा से ही अपने इंटरेस्टिंग चॉइसेस के लिए जाने गए हैं। वेदर इट वॉज दिल चाहता है, एक हसीना थी और ओमकारा, ही हैज ऑलवेज पुश्ड द बार एज एन एक्टर। 2019 में हमने सैफ को फिर से एक डिफरेंट अवतार में देखा इन द फिल्म लाल कप्तान। लाल कप्तान को डायरेक्ट किया है NH10 के डायरेक्टर नवदीप सिंह ने और फिल्म एक पीरियड ड्रामा है जो हमें एक नागा साधु की कहानी बताती है। लाल कप्तान के लिए सैफ ने स्पेशल प्रिपरेशन की थी। फ्रॉम हिज लुक्स टू हिज डायलेक्ट, He really worked hard on every front. फिल्म के रिलीज होने से पहले कई इंटरव्यूज में सैफ ने ये बताया था कि लाल कप्तान उनके मोस्ट पैशनेट प्रोजेक्ट्स में से एक है एंड ही रियली वांट्स द फिल्म टू वर्क।
लेकिन सैडली जब लाल कप्तान रिलीज हुई तो फिल्म को ऑडियंस से बिल्कुल भी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिल्म को रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही थिएटर से हटा दिया गया। फिल्म के कलेक्शंस 5 करोड़ ही हो पाए, विच एक्सप्लेन्स कि ऑडियंस को इस फिल्म को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इट वॉज अ डीपली लेयर्ड फिल्म, और ऐसी फिल्म अगर फ्लॉप हो जाए तो फ्यूचर में ऐसा सिनेमा बनाना किसी भी नए फिल्म मेकर के लिए मुश्किल हो जाता है। लाल कप्तान इन आवर ओपिनियन इज एन अंडररेटेड कल्ट फिल्म जो बहुत ही रेयर सिनेफाइल्स को पसंद आएगी। हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। नंबर 9, वीर। वीर अनडाउटेडली सलमान खान के करियर के मोस्ट डिसअपॉइंटिंग फिल्म्स में से एक है, बट नॉट मेनी पीपल नो कि वीर एक ऐसी फिल्म थी जिसकी स्टोरी सलमान खान ने खुद लिखी थी। सलमान खान ने वीर की स्टोरी अराउंड 20 इयर्स पहले लिखी थी और वो इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करना चाहते थे, बट किसी ना किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इट वॉज ओनली इन 2008 दैट सलमान गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक वीर। वीर के रिलीज होने से पहले सलमान बहुत कॉन्फिडेंट थे, एज ऑडियंस का ट्रेलर और फिल्म के म्यूजिक को लेकर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बट सैडली वीर जब रिलीज हुई तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ही बिलो एवरेज था। अगर मेरे देश की तरफ किसी ने आग भी उठाई तो वीर इतनी तबाही मचाएगा जो अकाल और भूकंप भी नहीं मचा पाएगा। नंबर 10, हवाई ज़्यादा। 2015 में आयुष्मान खुराना ने हवाई ज़्यादा नाम की एक फिल्म की थी, विच वॉज अ बायोपिक ऑन शिव करताल पड़े, द मैन हु मेड द फर्स्ट इंडियन एयरप्लेन। आयुष्मान इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने इस रोल के लिए बहुत प्रिपरेशन भी की थी। एज द फिल्म वॉज सेट इन द 1890s, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू रिक्रिएट दैट एरा, और इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर विभू पुरी ने अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ एक स्पेशल सेट बनाया था वेयर दे रिक्रिएटेड एन एंटायर सिटी। हवाई ज़्यादा डेफिनेटली आयुष्मान खुराना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, मगर जब हवाई ज़्यादा रिलीज हुई तो इट बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। फिल्म का प्रमोशनल कैंपेन बहुत ही वीक था और इस वजह से ऑडियंस को पता ही नहीं था कि कोई हवाई ज़्यादा नाम की फिल्म भी रिलीज हुई है। नाउ आयुष्मान हैज बिकम अ सुपरस्टार, बट स्टिल पीपल डोंट नो अबाउट दिस फिल्म, सो वी रिकमेंड कि आप ये फिल्म जरूर देखें। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारी फिल्म्स में से वो कौन सी फिल्म है दैट डिजर्व्ड अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। टेल अस योर ऑनेस्ट ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।